गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं स्पेशल टेक्नो के पब्लिक फॉर्म में और वहां पर जो भी स्टूडेंट डिस्कशन कर रहे हैं उस डिस्कशन को हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि पब्लिक फॉर्म क्या है तो मैं उनको क्लियर करना चाहूंगा। यदि आप लोगों ने स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है तो वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों का पब्लिक फॉर्म होता है, जहां पर आप लोग अपने कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं, अपने मन का सवाल दूसरे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं एंड दूसरे स्टूडेंट्स के सवाल का जवाब दे सकते हैं। उनका जवाब मेरे थ्रू भी दिया जाता है। तो वो सारी चीजें यानी कि एक ग्रुप आप लोगों का बना हुआ है, एक कम्युनिटी आप लोगों की बनी हुई है, जिससे जो भी सवाल जिसके माइंड में आता है वहां पर वो पूछ सकता है। तो हम उसी को देखते हैं क्या कुछ सवाल वहां पर पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यदि आप लोग देखो पब्लिक फॉर्म में यहां पर सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कुमार दास, इन्होंने पूछा व्हाट इज एलडी प्रोसेस। तो इससे पिछली क्लासेस में हम लोगों ने एलडी प्रोसेस में देखा था कि भैया जो राउरकेला स्टील प्लांट है वहां पर किस प्रोसेस के माध्यम से स्टील को बनाया जाता है, तो उसका राइट आंसर था एलडी प्रोसेस। वहां से आपके माइंड में एलडी प्रोसेस के बारे में आया है तो ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूं। एलडी प्रोसेस हमारी एक स्टील मेकिंग प्रोसेस है, जो कि काफी प्रोसेस वगैरह हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे, वो पर्टिकुलर हम स्टील मेकिंग प्रोसेस जब देखेंगे या कोर्सेस में आप हो तो वहां पर डिस्कस करी गई है तो वहां पर आप लोग देखोगे। तो भैया ये कौन सी लैंग्वेज में इन्होंने क्वेश्चन को पूछा है तो इसका तो जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, गुजराती लैंग्वेज में। अब यहां पर सुबह पूछ रही है, यदि हम लोग क्वेश्चन की बात करें, इन्होंने क्वेश्चन को पोस्ट किया है और क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर लंबाई और 1 मिलीमीटर मोटाई से युक्त एल्यूमिनियम सीट है जिसका घनत्व की यदि हम लोग बात करें, जिसका घनत्व इन्होंने यहां पर बताया है कि इसका घनत्व जो है वह 2.7 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है, तो इसका वेट आप लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भैया वेट, जो मीटर है यहां पे उसको सभी जो भी यूनिट हैं उनको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज यहां पे घन सेंटीमीटर है। देन हम लोग यहां से इसका जो है आयतन निकालेंगे, देन आयतन मल्टीप्लाई बाय घनत्व करेंगे, तो इजीली हम लोगों का क्या निकल के आ जाएगा, वेट निकल के आ जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, सारी चीजें मैंने आप लोगों को जो है बता दी है। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा आगे की चीजें क्या है। नेक्स्ट यहां पर क्या कुछ क्वेश्चन है उनको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अब देखो आगे इन्होंने निकाल के भी बताया शुभम ने कि भैया इसका जो राइट आंसर है वह 2.7 किलोग्राम है। यहां पर शुभम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो इन्होंने क्या बोला है, ये क्वेश्चन जनरली आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। यहां पर देखो क्या बोला है उन्होंने, थ्रेड कटिंग के लिए यह सही है क्या, थ्रेड कटिंग में क्या क्या कंडीशन उन्होंने रखी है। सबसे पहली कंडीशन रखी है यहां पे कि वो जो थ्रेड की कटिंग कर रहे हैं वो राइट एंड थ्रेड है, ठीक है। राइट एंड थ्रेड की कंडीशन में इन्होंने बोला है स्पिंडल और लीड स्क्रू रोटेशन क्या भैया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, यानी कि सेम डायरेक्शन में होगा। सेकेंड कंडीशन है कि फॉरवर्ड पोजिशन एंड कैरिज डायरेक्शन इज टेल स्टॉक टू हेड स्टॉक, यानी कि जो फॉरवर्ड पोजीशन होगी उसमें क्या क्या हमारा जो कैरिज है, जो हमारा कटिंग टूल मूव करेगा वो हमारा टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की तरफ मूव करेगा। सेकेंड कंडीशन इन्होंने दी है लेफ्ट एंड थ्रेड में स्पिंडल क्लॉकवाइज एंड लीड स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज एंड रिवर्स पोजिशन कैरिज डायरेक्शन इज हेड स्टॉक टू टेल स्टॉक। अब इन्होंने तो अपना सवाल यहां पर पोस्ट कर दिया, देन यहां पर कुमार दास आकर उनका जवाब देते हैं, तो वो जवाब हम देख लेते हैं, देन हम लोग सारी चीजों को देखेंगे कि भैया कैसे क्या है। तो चलिए देखिए यहां पे यदि हम लोग इसके जवाब को देखें तो जवाब इन्होंने क्या दिया है, यदि हम लोग सुब्रत कुमार के जवाब की बात करें तो बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने इनको सेटिस्फाई किया होगा आई थिंक। देखो सबसे पहले राइट एंड थ्रेड की कंडीशन में उन्होंने क्या बोला है कि चक हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा एंड लीड स्क्रू हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो सबसे पहले तो उन्होंने राइट एंड थ्रेड की जो बात करी थी वहां पर क्या है, हम लोगों का राइट कंडीशन क्या होती है एग्जैक्टली, हमारा मान के चलिए ये गाइस हमारा वर्कपीस है, ये हमारा एक वर्कपीस है जो हमारे किसी भी चक में होल्ड है, राइट। अब यहां पर इसकी जो डायरेक्शन होगी, अब देखो कटिंग टूल हमारा यहां पे लगा हुआ है, थ्रेडिंग कटिंग टूल यहां पे लगा हुआ है, तो हमारा चक एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। हमारा चक कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब डायरेक्शन चेंज हमारी किसकी होती है, लीड स्क्रू की डायरेक्शन चेंज होती है किसके माध्यम से, जब हम लोग टम्बलर गियर को किस पोजिशन में सेट करें। टम्बलर गियर हमारा 3 पोजिशन में सेट होता है, फॉरवर्ड पोजिशन,
एंड रिवर्स पोजीशन एंड न्यूट्रल पोजीशन। तो राइट हैंड थ्रेड की कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा टम्बलर गियर होता है वो हमारा फॉरवर्ड पोजीशन में सेट होता है। अब हमारा जॉब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, राइट। हमारा जो लीड स्क्रू है वो भी कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी कि दोनों हमारा क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में घूमेंगे। किस कंडीशन में, राइट हैंड थ्रेड की कंडीशन में। कैसे, सेम डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। यदि हम लोग टम्बलर गियर पोजीशन की बात करते हैं तो भैया वो हमारा फॉरवर्ड पोजीशन में रहेगा। यदि हम लोग कैरेज के मूवमेंट की बात करते हैं तो राइट हैंड थ्रेड में हमारा कैरेज का मोमेंटम क्या होगा, टेल स्टॉक टू हेड स्टॉक होगा। यह चीज क्लियर है। इन्होंने लेफ्ट हैंड थ्रेड का भी क्लियर किया है कि लेफ्ट हैंड थ्रेड में यदि हम लोग चक की डायरेक्शन यानी कि वर्कपीस की डायरेक्शन और लीड स्क्रू की डायरेक्शन की बात करते हैं तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जहां पर हमारा वर्कपीस सेम डायरेक्शन में घूमेगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, लेकिन हम टम्बलर गियर को रिवर्स पोजीशन में सेट करेंगे, इसीलिए जो हमारा लीड स्क्रू की डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। इसीलिए क्या होगा भैया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने से जो हमारा कटिंग टूल है उसका मोमेंटम हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ होने लगेगा। तो ये चीज समझ में आ रही है। तो लेफ्ट हैंड थ्रेड की कंडीशन में जब हम लोग लेथ मशीन पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के माध्यम से थ्रेड की कटिंग करते हैं, वहां पर लेफ्ट हैंड थ्रेड की कटिंग करते हैं, वहां पर चक हमारा एंटी क्लॉकवाइज एंड लीड स्क्रू हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है और कैरिज का जो मोमेंटम होगा वह हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ होगा। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। जिन्होंने भी पब्लिक फॉर्म में ये सवाल को डाला है, पोस्ट किया है, उनको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां से आप लोगों के क्वेश्चन जनरली इंक्लूड किए जाते हैं। चलिए अब यहां पे बोल रहे हैं हम भाई, राइट है, मैंने नोट बना लिया है, चाहो तो मेरा नोट देख लो। नोट तो बहुत प्यारा है आपका, बहुत बढ़िया भाई, नोट्स आप बनाते रहो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यदि हम लोग देखें कौन सा थ्रेड का डेप्थ सबसे ज्यादा होता है, बहुत पॉपुलर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्म थ्रेड राइट आंसर आप लोगों का निकल के आता है। अगला क्वेश्चन, फास्टनर कितने टाइप के हैं और कौन सा फास्टनर कौन से ग्रुप में आता है। तो देखो सुब्रत, यहां पे ऑलरेडी हम लोग फास्टनर का डिस्कशन कर चुके हैं, फास्टनर अलग अलग टाइप के। यहां पे देखो यदि हम लोग फास्टनर की बात करें तो फास्टनर हमारे थ्री टाइप के होते हैं। कौन कौन से फास्टनर होते हैं, परमानेंट फास्टनर, सेमी परमानेंट फास्टनर एंड टेम्पररी फास्टनर। अब इनको समझिएगा, मान के चलिए मैं परमानेंट फास्टनर की बात करता हूं तो उसको परमानेंट फास्टनर की कंडीशन में क्यों रखा है, हम फास्टनर का प्रयोग क्यों करते हैं। फास्टनर का प्रयोग सर करते हैं कोई भी हमारे दो पार्ट हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए हम फास्टनर का प्रयोग करते हैं, राइट। अब यहां पर क्या है, जो परमानेंट फास्टनर का, यदि हमने दो पार्ट को जोड़ने के लिए किसी परमानेंट फास्टनर का प्रयोग किया है, अब यदि हमको इन दोनों पार्टों को अलग करना है तो हमारा पार्ट भी खराब हो जाएगा एंड हमारा फास्टनर भी खराब हो जाएगा। तो ऐसे फास्टनर जिनसे दोनों पार्ट को जोड़ने पर, उनको अलग करने पर हमारा पार्ट एंड हमारा फास्टनर दोनों खराब हो जाते हैं, वो परमानेंट फास्टनर के अंतर्गत आते हैं। लाइक यदि बात करें तो हमारा जो वेल्डिंग है वो हमारे परमानेंट फास्टनर के अंतर्गत आता है। यदि दो पार्टों को वेल्डिंग के माध्यम से जोड़ दिया जाए देन अलग किया जाए तो हमारी वेल्डिंग तो खराब होगी ही होगी, साथ में हमारे पार्ट भी खराब हो जाएंगे। ये हो गया परमानेंट फास्टनर। सर सेमी परमानेंट फास्टनर क्या होता है, तो सेमी परमानेंट फास्टनर के अंतर्गत वे फास्टनर आते हैं जिनसे हम दो पार्टों को आपस में जोड़े और यदि उनको अलग करना पड़ जाए तो हमारा पार्ट सेव रहता है लेकिन फास्टनर खराब हो जाता है। यानी कि एक चीज को हमने सेमी परमानेंट फास्टनर में बचा लिया, जैसे कि रिबिटिंग एंड सोल्डरिंग। जैसे कि रिबिटिंग एंड सोल्डरिंग, रिबिटिंग में क्या होगा, दो पार्ट को जोड़ने पर जब हम अलग करेंगे तो रिबिट हमारा खराब हो जाएगा, पार्ट सेव होगा। इसी प्रकार सोल्डरिंग में जब हम ज्वाइंट करेंगे तो वहां पर क्या होगा, ये जो सोल्डर है उसको हम पिघलाकर अलग कर देंगे, पार्ट हमारा बच जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा टेम्पररी फास्टनर, जिसका हम लोग जनरली प्रयोग करते हैं। टेम्पररी फास्टनर में क्या होता है, टेम्पररी फास्टनर में गाइस हमारा पार्ट एंड हमारा फास्टनर दोनों सेव रहते हैं। जैसे कि नट बोल्ट स्टड जो भी हमारे फास्टनर है वो हमारे टेम्पररी फास्टनर के अंतर्गत है, जिससे कि अलग करने पर ना तो फास्टनर खराब हो, यानी कि फास्टनर का हम रीयूज कर सकते हैं, पार्ट हमारा सेव रहे, तो वो हमारा टेम्पररी फास्टनर के अंतर्गत आता है। तो यहां से एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप लोगों से पूछ लेता है कि भैया इनमें से टेम्पररी फास्टनर कौन सा है, इस टाइप से, राइट।
तो गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि विच टाइप ऑफ ग्रुप गिव द मैक्सिमम स्ट्रेंथ टू द वर्कपीस। अब यहाँ पे देखो ग्रुप की ये बात कर रहा है, जैसे कि मान के चलिए हमारा कोई वर्कपीस है, ये मान के चलिए हमारा एक ये वर्कपीस है, समझिएगा क्वेश्चन को। अब यहां पे यदि मैंने ये ग्रुप काटा, यहां पे एक ग्रुप मेरा ये कटा हुआ है, एक ग्रुप मेरा ये कटा हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। दूसरा ये है हमारा कौन सा राउंड ग्रुप, राउंड ग्रुप। दूसरा यदि मैं बात करूं, एक इस टाइप से मेरा वर्कपीस है और यहां पर जो है मैंने क्या किया, यहां पर मैंने वी ग्रुप काटा हुआ है। कैसा वी ग्रुप काटा हुआ है, यहां पे वी ग्रुप काटा हुआ है, या ये स्टेप हो सकता है या सेम डायामीटर का हो सकता है। नेक्स्ट मैंने यहां पे स्क्वायर ग्रुप काटा, तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देगा, सबसे कम वीक जो होगा वह राउंड ग्रुप होगा। बाकी वी ग्रुप की बात करें एंड स्क्वायर ग्रुप की बात करें, स्क्वायर ग्रुप यदि रहेगा तो किस टाइप से रहेगा, देखिए इस टाइप से रहेगा। कुछ मैं यहां पे बना के बता देता हूं जिससे कि आप लोगों को क्या है कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। जैसे कि यहां पे कुछ इस तरीके से, मान के चलिए कुछ इस तरीके से रहेगा, सॉरी कुछ इस तरीके से रहेगा स्क्वायर ग्रुप, तो ये भी हमारा वीक रहेगा, ये भी वीक रहेगा, लेकिन इन वीक में से सबसे कम वीक जो रहेगा वह राउंड ग्रुप रहेगा। और इससे भी ज्यादा मजबूत बनाना है तो फिर हमको शोल्डर की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए ये शोल्डर की बात नहीं कर रहा है, शोल्डर होता उस कंडीशन में हमारा वेबल्ड शोल्डर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथेबल होता है, ये ग्रुप की बात कर रहा है, इसीलिए हम लोगों को राउंड ग्रुप की तरफ ही जाना पड़ेगा। यहां पे काफी कुछ डिस्कशन चल रही थी जहां पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, चलिए मैं वो डिस्कशन भी आप लोगों को दिखा देता हूं, है ना। चलिए देखिए क्या कुछ डिस्कशन कर रहे थे, यहाँ पे वी ग्रुप दे रहे हैं रविंद्र माली एंड यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोला है, वी ग्रुप कैसे होगा, ये काफी कुछ डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ पे राणा घोष बोल रहे हैं 100% स्क्वायर ग्रुप होगा, तो स्क्वायर ग्रुप नहीं होगा। चलिए तो ये तो भैया कुछ क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे अगेन काफी सारे क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। मशीन स्पिंडल ड्रिल रीमर ईटीसी में MT0 टू MT4 तक मोस्ट स्टेपर होता है या MT0 टू MT5? तो भैया MT1 टू MT5 होता है, MT0 का देकर क्या करेंगे? यदि मान के चलिए MT0 का दे दिया तो उसको फिट किस में करेंगे, तो 0 टू 5 नहीं होता है, MT1 टू MT5 होता है। तो देखिए ये छोटे छोटे कंफ्यूजन होते हैं जो आप लोगों के माइंड में क्रिएट होते हैं, तो यहाँ पे क्या राइट होगा MT1 टू MT5। तो गाइस यहां पे आप लोग भी स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जो भी माइंड में क्वेश्चन है उनको आप लोग यहां पे जो है डिस्कस कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, इजीली आके कोई भी माइंड में आपके क्वेश्चन आ रहा है तो आप वहां पे डाल दीजिएगा। तो एक कम्युनिटी बनी हुई है अच्छी, जहां से आप लोगों के सवालों के जवाब मिल जाते हैं और साथ ही साथ मैं आप लोगों का जवाब जो है यहां पे देता रहता हूं। और कोर्स यदि आप लोग परचेस करना चाहते हो तो स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर मास्टर कोर्सेज चल रहे हैं, तो वहां से जाके आप अपने कोर्स को ले सकते हो जो कि बहुत बेनिफिट आप लोगों को देगा। सो आशा करता हूं इस वीडियो से कुछ डाउटफुल क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।